हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हैं? हमने अभी तक क्या क्या किया है हम वो देखेंगे, और जितने बच्चे मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं उनको पता होगा कि हमने हमारे एक्ट्स, हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, शेड्यूल है, हमारे सोर्सेज हैं, हमने बहुत सारी थीम एरियाज कवर कर लिए हैं। देखो, आपके एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में ना थीम से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हर साल एक, आपको पता है कि हर साल जैसे सोर्स से पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, तो आपको ऐसे थीम्स होती हैं पॉलिटी की। मैं आपको इस सिलेबस पे एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं बताऊँगी आपको कि कैसे सिलेबस से एक एक क्वेश्चन आता है। ऐसे ही उस सिलेबस में एक पार्ट आता है हमारा अमेंडमेंट, जैसे कि हमने कल इसकी स्टार्टिंग की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारी क्लास पूरी नहीं हो सकती थी, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे अमेंडमेंट को कंप्लीट करने का। देखो, अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस अमेंडमेंट में आपको दो चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। देखो, एक तो हम करेंगे इसमें देखो एक तो हम इस अमेंडमेंट में दो चीजें पढ़ेंगे। इस अमेंडमेंट में हम दो चीजें क्या पढ़ेंगे। पहली चीज तो हम अमेंडमेंट में पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट होते क्या है, कैसे आए हैं, जो मैंने कल बताया था आपको, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफाई विद 50% ऑफ स्टेट्स। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूअस है तो आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो आपको चीज समझ में नहीं आई, कल की हमारी जो भी क्लास हुई थी 30 मिनट्स की, जिसमें मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट करवाया था, उसमें जो भी आपको कल का डाउट है वो आप कमेंट में लीव करके छोड़ दीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर करूंगी। उसके बाद हम आज देखेंगे उसकी फर्दर क्या है। देखो, हमने कल क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। देखो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप रिवाइज नहीं करते, आपने कल का पढ़ लिया, कल क्लास देखी, उसके बाद आपने उसको, आपने बुक्स को बंद किया और उसको लीव कर दिया, यानी छोड़ दिया, उसके बाद आपने उसको कुछ देखा ही नहीं है, तो आपको वो याद नहीं रहेगा। आपको याद रखने के लिए क्या करना है, आपको याद रखने के लिए उसके टच में रहो। लाइक आज आपने क्लास ली है, उसको देखा आपने, आज आपको अगर यहाँ पे मेरी 40-45 1 घंटे की क्लास होती है, तो आपने उसको यहाँ पे देखा है, उसके बाद उसको ना नोट्स बनाओ साथ की साथ, उसको लिखो, लिखोगे तो माइंड में याद रहेगा, और लिखने के बाद उसको रिवाइज करो। आपको आज उस पर 30-40-50 मिनट लग रही है, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा उससे जस्ट पहले, जैसे आपका कल SSC का एग्जाम है, आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है, तो मैंने अभी तक जितने भी आपको थीम्स करवाई है, आपने देखा कि एक्ट्स हमने 2 दिन में करे थे, हमें लगभग 2 घंटे लग गए थे एक्ट्स पे। लेकिन अब जब आप एग्जाम से पहले जाओगे, आप एक्ट्स का पेज खोला, आपको पता होना चाहिए कि 1773 में रेगुलेशन एक्ट में फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन हुआ था, ऐसे माइंड में आ जाना चाहिए। मोस्ट सेंट्रलाइजेशन, सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कहाँ हुआ था, 1833 में। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ था, ये सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपको ये याद होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं पूछ लूँ, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए थे, तो आपको पता होना चाहिए हमने USA से लिए थे। जैसे हम पूछे कि हमने ना, हमारा फेडरल सिस्टम वर्ड जहाँ आ रहा है, वहाँ पे मैंने क्या बताया था, कैनेडा आ जाएगा, तो वो कहाँ से लिया। फेडरल कोर्ट अगर आ रहा है तो वो किससे आएगा, 1935 से आएगा। ऐसे पार्ट्स में पूछूँ कि हाँ ना, हमने जैसे ये यही पूछ रहे थे कि अमेंडमेंट किस पार्ट में, हमने कल किया था, कौन से पार्ट में, पार्ट 20 में। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 3 में है। ऐसे ही आपको सोर्सेज, पार्ट्स, और आपको शेड्यूल, और आपके इससे पहले क्या कर रहे थे, जैसे शेड्यूल में पूछ लेती हूँ कि आपके जो राज्यसभा की सीट का एलोकेशन होता है, कि राज्य की सभा की सीट है वो कैसे एलोकेट होंगे, कौन से उसमें है आपके शेड्यूल में, तो शेड्यूल 4 में है। शेड्यूल 5 और 6 किससे डील करते हैं, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से डील करते हैं। तो आपको ना ये मैंने अभी तक जितना करवाया, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूअस बने होंगे तो आपको क्लियर होगा। अगर आपको ऐसा लगता है जैसे आप लीव करके चले जा रहे हो, क्लास पूरी नहीं देख रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, तो आप उसको मिस ना करते हुए आप इसको कंप्लीट करो। देखो, आज हम अमेंडमेंट करेंगे कि कौन सा अमेंडमेंट कब आया था, क्या फीचर्स हैं, इंदिरा गांधी के टाइम में कौन कौन से अमेंडमेंट आए थे, उनसे क्या ऐड हुआ था, क्या सब्सट्रैक्ट हुआ था, कैसे अमेंडमेंट आते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम अमेंडमेंट में काउंट करेंगे, कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट से डील करता है, ये आपके डिपेंड करता है। जैसे SSC CGL NDA के एग्जाम हो गए, उसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है कि आपके स्टेटमेंट में आते हैं कि भाई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज़ें हुई हैं, ये चीजें नहीं हुई है, तो वो एक स्टेटमेंट में आता है। लेकिन आपके जो सी ग्रेड के एग्जाम होंगे उसमें डायरेक्ट आएगा कि अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका आर्टिकल है 368, तो आपको पता होना चाहिए हाँ उसका आर्टिकल है। पूछ लेंगे कि अमेंडमेंट कौन से पार्ट में आते हैं आपके, तो 20 पार्ट में आते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि है ना, जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट है वो कब आया था या उसके अंदर क्या है, तो ये सारी चीजें पूछेंगे। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी किससे आती है, स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट से होती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, तो ये स्टेटमेंट में या वन लाइनर एग्जाम में आपके बिल्कुल आ जाते हैं। हम इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हम
अभी तक जितने टॉपिक हुए सब में क्या करेंगे, PYQs करेंगे। तो स्टूडेंट्स तैयार हो आप मेरे साथ आज अमेंडमेंट पढ़ने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर फॉर्मल चेंजेस। फॉर्मल चेंजेस का मतलब ये होता है कि लिखित, देखो दो चीजें होती है, एक इनफॉर्मल वर्ड होता है, एक इनफॉर्मल वर्ड होता है, एक फॉर्मल होता है। ये मैं आपको है ना थोड़ी इंग्लिश की वगैरह होती है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे आप अगर किसी वर्ड को नहीं, अगर आप किसी वर्ड को नहीं देख रहे हो, जैसे आपने देख लिया कि इसमें लिखा है स्टेटमेंट है, उसमें चीजें ठीक लिखी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिनली है वो 22 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एट प्रेजेंट 25 है। उसने लिख दिया ओरिजिनली, आपने वहां पे ध्यान से पढ़ा नहीं, आपने देखा ओ अच्छा ठीक है 25 है ओरिजिनली, तुमने देखा नहीं पूरी लाइन को, देखा कि 25 पार्ट है, तो तुम गलत करके आ रहे हो उस चीज को। इस चीज को ना आप ध्यान से देखो। जैसे अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर फॉर्मल चेंजेस, यानी लिख के चेंज किए गए हैं किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर अल्टर और मॉडिफाइड, मतलब चेंज कर रहे हैं उसको, इट्स ओरिजिनल टेक्स्ट, जो उसके ओरिजिनल लिखा गया है। अगर ओरिजिनल कोई चीज इसमें मेंशन है, ओरिजिनली कोई चीज मेंशन है, अगर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्लोज ए बी सी में कुछ लिखा गया है, लेकिन टाइम के अनुसार हमें ये लगता है कि ये चीज हमारे अब अप्लाई नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम रिपील कर देते हैं। देखो हमने 377 किया था, 377 आर्टिकल में क्लोज बी हमने रिपील किया था, उसके बाद ये किस, ये LGBTQ के लिए था, इसके अलावा हमने क्या रिपील किया अभी तक, मतलब बहुत सारी चीजों को हम रिपील, जैसे हमने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से NJCL जो आपका नेशनल जुडिशरी करके कुछ एक बॉडी थी, जो आपके नेशनल जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ना जजेस को नियुक्त करेगी, उस बॉडी को हमने क्या करा था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। ये तो हम वो चीजें जो इसको हटा रहे हैं, ऐसे ही हम ओरिजिनल में चीजें ऐड भी तो कर सकते हैं। ऐड क्या क्या किया है हमने अमेंडमेंट के थ्रू, बहुत सारी चीजें ऐड की है। जैसे पहले ही अमेंडमेंट में हमने ऐड किया है SC ST को, ST और SC को रिजर्वेशन, उसके बाद वीमेन रिजर्वेशन, जो आपका EWS है, ये सब किससे ऐड हुआ, ये ऐड कर रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो हम कॉन्स्टिट्यूशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं और उसमें कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हम अमेंडमेंट के थ्रू करते हैं, इसलिए अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है उसमें अब हम क्या चेंजेस लाने वाले हैं। इसके बाद देखो द अमेंडमेंट इज चेंज किसमें, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करते हैं उनमें चेंजेस, एंड हेंस इट अमेंड द ओरिजिनल टेक्स्ट, क्या ओरिजिनल जो हमारा टेक्स्ट है उसको अमेंड करता है। The constitutional allows for the amendment through Article 368. किसके थ्रू करता है? Article 368 के थ्रू कर रहा है। हमने देखो कल देखा था इसका अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है, अमेंडमेंट का आर्टिकल है 368, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसका पार्ट कौन सा है, पार्ट है आपका 20। फिर हमने इसके बाद क्या देखा था अमेंडमेंट का, किसके थ्रू आता है, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। अब मेरे साथ इसको ना अपने मन में भी इसको रिवाइज करो कि किसके थ्रू आता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी दो टाइप की थी, एक तो स्पेशल मेजोरिटी क्या थी, प्रेजेंट एंड वोटिंग, दूसरी कौन सी थी, प्रेजेंट एंड वोटिंग किसमें, सेंटर में, प्लस 50% क्या था आपका, 50% आपके रेटिफाई करेंगे स्टेट, रेटिफाइड बाय स्टेट्स। इसका एग्जांपल क्या है, इसका इसका एग्जांपल आपका GST किसके तहत आया था, 101 अमेंडमेंट। तो ये क्या है, ये आपके कुछ वन लाइनर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर आपके वन लाइन में आए तो ये याद होना चाहिए आपको कौन सा आर्टिकल है, इसमें क्या है,
ये आपकी स्पेशल मेजोरिटी होगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मैंने कल आपको बताया था, मैं एक बार फिर बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को पता होता है कि देखो आपको क्या होता है कि जैसे बिल आ रहा है कोई, ओके ये पूरा क्लियर हो गया, सॉरी, जैसे कोई बिल आता है, अब मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगी कि अमेंडमेंट की प्रोसेस क्या होती है। इसको ना आप अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसमें पीपीटी में नहीं है, इसको मैं कल एड ऑन कर दूंगी। इसको अमेंडमेंट की प्रोसेस क्या होती है, अमेंडमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, पहले बिल होता है। बिल कौन लेके आ सकता है, बिल दो मेंबर लेके आ सकते हैं। कौन हो सकता है, या तो प्राइवेट मेंबर हो, ये मैं सिर्फ आपको 368 की बात कर रही हूँ, आर्टिकल 368 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आती है उनकी बात कर रही हूँ। प्राइवेट मेंबर लेके आए, चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, उसको 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 ध्यान दो। देखो बिल आते कैसे हैं, हमारे क्या प्रोसेस होती है, कोई भी बिल आया, बिल चार टाइप के होते हैं हमारे, जैसे हमारा ऑर्डिनरी बिल होता है, ये आपके सब आगे आएंगे, हम फर्दर पढ़ेंगे, एक बार वैसे बता रही हूँ। दूसरा फाइनेंशियल बिल होता है, तीसरा हमारा मनी बिल होता है, चौथा हमारा अमेंडमेंट बिल होता है। देखो अगर मैं आपको रटाना चाहूँ ना तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके फर्स्ट में ये आ रहा है, ठीक है, अमेंडमेंट वन में आपके ना एससी एसटी का रिजर्वेशन, वीमेन रिजर्वेशन आया है आपका, ठीक है, जो आपकी लैंड है उसको ना डिस्ट्रीब्यूट ना करें, यानी जमींदारी सिस्टम अबोलिश करवाया है। मैं बोल दूं आपको अमेंडमेंट सेवन में पार्ट वन पार्ट ए बी सी डी था, उसको रिपील कर दिया गया है, पार्ट एट में ये था वो था, ऐसे करके मैं आपको सारा कंप्लीट करवा दूं। लेकिन अगर आपको ये समझ में ना आए, अब स्टेटमेंट में आ गया आपके, ठीक है, कि अमेंडमेंट बिल में ना प्रेजिडेंट की ना प्रायर कंसल्टेशन चाहिए होती है, अब क्या करोगे आप, करवाने को तो मैं बहुत ईजिली करवा दूंगी भाई, ऐसे 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 है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड ओपन करके आप इसको समझने की कोशिश करो। सिर्फ रट्टाफिकेशन जरूरी होता, कभी कभी कहीं कहीं कुछ चीज़ें समझने भी जरूरी होती है। जैसे अमेंडमेंट बिल हो गया, तो चार टाइप के बिल आते हैं, इनकी एक प्रोसेस होती है शुरू होने की, यानी आपका बिल आया आपका, ठीक है। अब बिल आने से पहले ना कुछ में तो क्या होता है, देखो कुछ में तो क्या होता है आपका, जैसे एक तो प्रेसिडेंट हो गया, फिर बिल हो गया आपका, फिर आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख रही हूँ मैं, इसकी असेंट की जरूरत होती है। देखो कुछ बिल होते हैं जिसमें प्रायर अप्रूवल, यानी कोई भी संविधान में बिल आता है तो उस पर आपको राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ता है कि भाई हम ये बिल है, इस बिल को, ये जैसे एक बिल है इसको हम लेके आ रहे हैं, ले आए इसको, तो ये हमें पूछना पड़ता है। ये किस किस में पूछना पड़ता है, देखो मनी बिल में पूछना पड़ता है, ये आगे के टॉपिक है, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। तो मनी बिल में आपको क्या बोलना पड़ता है, प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है, किसकी, प्रेसिडेंट की। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, अमेंडमेंट बिल। जो अमेंडमेंट बिल है हमारा उसको क्या है, अमेंडमेंट बिल को क्या प्रेसिडेंट की प्रायर, इसको मैं लिख देती हूँ, यानी बिल आने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना, ठीक है, बिल आने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना जरूरी है कि नहीं है, तो नहीं है भाई, इसमें प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होती है। फिर से बोल रही हूँ मैं, अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होती है। उसके बाद क्या है हमारा, प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होती तो लेके कौन आता है, किसकी अप्रूवल की जरूरत होती है, कौन लेके आ रहा होता है, तो बिल को जो लेके आ रहे होते हैं वो दो मेंबर होते हैं आपके, एक प्राइवेट होता है, एक आपका मिनिस्टर होता है। प्राइवेट मेंबर कौन होता है आपका, प्राइवेट जो मेंबर होता है ना वो मेंबर होता है जो एक मिनिस्टर नहीं होता है। अब आप कंफ्यूज कर देंगे, क्या बोला मैंने, मिनिस्टर कौन होता है, मिनिस्टर वो होता है जो प्राइवेट मेंबर नहीं होता है। अब देखो इसको कैसे समझे, प्राइवेट मेंबर वो होता है जैसे हमारे 543 पर्सन है। अब देखो 543 क्यों लिख रही हूँ मैं, वो भी बता देती हूँ। 545 क्या कर दिए गए हैं, दो जो एंग्लो इंडियंस थे, पहले कितने थे, 545 की स्ट्रेंथ बैठती थी, तो दो क्या थे उनमें से, एंग्लो इंडियन थे, यानी जिनके पेरेंट्स कोई बाहर के सिटीजन रहे हो, ब्रिटिशियस सिटीजन रहे हो, वो थे। अब वो अबोलिश कर दिए गए 2020 के बाद, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया उसको भी हम पढ़ेंगे, कौन से अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियन को अबोलिश कर दिया गया, आई थिंक 104 या 105 में से होना चाहिए, हम इसको देखेंगे। तो 504 जो आपके मेंबर है उसमें से, ऐसा तो है नहीं कि
543 के 543, 543 के 543 के आपके मिनिस्टर नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो इन मेंबरों को छोड़ के वो मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। ये कौन हो सकता है, ये अपोजिशन का लीडर भी हो सकता है, अपोजिशन का मेंबर भी हो सकता है, रूलिंग का भी हो सकता है, बट रूलिंग का वो मेंबर होता है जो कि एक मिनिस्टर की नियुक्ति में नहीं आया है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, प्रोसेस है अमेंडमेंट बिल की, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो मिनिस्टर मेंबर है आपका वो कौन है, वो जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, तो ये कोई भी ला सकता है। यानी 543 यानी 543 में से कोई भी अपोजिशन का हो, रूलिंग का हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी इस बिल को ला सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। अब देखो हमारे पास बिल है, मैंने बताया आपको प्राइवेट मेंबर ला सकता है, और कौन ला सकता है प्राइवेट के बाद, मिनिस्टर। जनरली हम क्या यूज करते हैं प्राइवेट के लिए, अपोजिशन का लीडर यूज करते हैं। अब बिल लाने के बाद क्या, लोकसभा और राज्यसभा, यानी इनमें से कोई भी इस बिल को ला सकता है। इनके पास क्या है, यहाँ पे इक्वल पावर है। इक्वल क्या है, पावर है, किसकी, इंट्रोड्यूस करने की। तो इसको कौन ला सकता है, प्राइवेट भी ला सकता है और आपका मिनिस्टर भी ला सकता है। तो ये क्या, इक्वल पावर है, ठीक है, किसके पास, राज्यसभा के पास भी, सॉरी लोकसभा के पास भी और राज्यसभा के पास भी, बिल को इंट्रोड्यूस करवाने की। तो ये याद रखना, जैसे आपका मनी बिल में क्या होता है कि मनी बिल में आपके पास लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट में आपसे मैं पूछती हूँ, आप मेरे को आंसर देना कि अगर अगर आपका जो इसकी बात करें, अगर आपका जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि ना राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होती है जो अमेंडमेंट बिल है हमारे उस केस में, तो ये गलत हो जाएगा। इक्वल पावर होती है ज्यादा, ना लोकसभा के पास होती है ना राज्यसभा के पास, दोनों इक्वल होते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि ओनली, अगर मैं लिख दूं कि ओनली मिनिस्टर बिल इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट बिल, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही होगी, गलत होगी, बताओ मुझे, ये आपकी गलत हो जाएगी। क्या, क्योंकि ओनली मिनिस्टर नहीं भाई, इसको प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, और प्राइवेट मेंबर कौन हो सकता है, मिनिस्टर के अलावा जो भी मेंबर है आपके सांसद में वो सब होते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देख रहे थे कि इक्वल पावर है लोकसभा राज्यसभा के बाद, जो प्रेसिडेंट है उसकी प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करता है। फर्स्ट मैंने आपको ये स्टेप होता है, सेकंड स्टेप ये हो गया आपका, लेकिन प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है। ये आपको सिर्फ एक क्लियर करने के लिए कि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करता है। कहाँ हो सकते हैं ये, हो कहाँ सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर हो सकती है, दोनों में हो सकते हैं। इसके बाद इसको प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ की और ना की, इसमें जॉइंट सीटिंग नहीं होती, जॉइंट सीटिंग इसमें नहीं होती है। क्या नहीं होता है, इसमें जॉइंट सीटिंग नहीं होती है, जॉइंट सीटिंग किससे, 108 आर्टिकल आएगा आपका, तो इसमें जॉइंट सीटिंग नहीं होती है, प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होती, लेकिन बिल बनने के लिए। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई प्रेसिडेंट की असेटिंग मतलब प्रेसिडेंट की हामी नहीं चाहिए होती इसको, नहीं, पहले नहीं चाहिए होती है, मतलब बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले नहीं होती, लेकिन बिल को बनाने के बाद उसकी हाँ या ना चाहिए ही चाहिए होती है, वरना कोई एक्ट नहीं बनेगा आपका। तो बिल की क्या, यस और नो दे सकता है, लेकिन जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकती, वीटो पावर नहीं हो सकती, सिर्फ यस और नो लगेगा अमेंडमेंट पे, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ, ये अमेंडमेंट की प्रोसेस है, ये आर्टिकल आपके 368 आपके 368 आर्टिकल से डील करता है, ये उसकी पूरी प्रोसेस है। हमने प्रोसेस कर ली इसकी, ठीक है, प्रोसीजर है ये उसकी, कैसे एक बिल आएगा, अमेंडमेंट बिल कौन ला सकता है, कैसे ला सकता है, प्रेसिडेंट की कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी इसमें, मतलब लास्ट में रिक्वायरमेंट होती है हाँ और ना करने में, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि अमेंडमेंट्स हो गए हमारे, आर्टिकल मैंने बता दिया आपको, पार्ट बता दिया है, प्रोसेस बता दिया है, हमारे अमेंडमेंट कैसे हैं, हमारे अमेंडमेंट फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड दोनों है,
रिजिड कैसे, यूएसए का है। फ्लेक्सिबल किसका है, ब्रिटेन का है, हमने कल किया था। इंडिया का क्या है, मिक्स है। मिक्स क्यों है, क्योंकि दोनों में सिंपल, मिक्स क्यों है क्योंकि दोनों में सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। अब जो मेजोरिटी होती है उस पर अलग से एक टॉपिक बनता है, आप बोलो तो मैं अभी करवा देती हूँ, वरना इसको मैं कैरी ऑन करती हूँ, पहले अमेंडमेंट करेंगे फिर। देखो ये हमने कर लिया, हमने क्या होता है, हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखो हम फर्स्ट अमेंडमेंट में आते हैं। हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, देखो संविधान जब लागू हुआ उसके अगले ही साल 1951 में, हमारा 1951 में क्या आ गया, हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आ गया, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या आ गया हमारा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या है, प्रोवाइड द सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग द एक्विजिशन ऑफ स्टेट, यानी एक्विजिशन ऑफ स्टेट क्या होता है, प्रॉपर्टी को कब्जाना होता है। तो ये क्या बोल रहा है, इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, देखो जब हमारा देश 1950 में, मतलब 1947 में आज़ाद हुआ था, 15 में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो देखो इसके बाद क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जमींदारी सिस्टम में होता था कि एक गांव का जो मुखिया उसके पास सारी लैंड है, ठीक है। जैसे कि जैसे ये पूरा एक एरिया है गांव का, उसमें इतने परसेंट लैंड का जो ओनर है वो एक ही पर्सन है, यानी 19% लैंड का एक ही ओनर है, सिंगल बंदे के हाथ में ही आपकी, ठीक है। लेकिन जो आपकी सिर्फ 10% है, इसके आपके 99% आपके लोग रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस अगर रिसोर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि एक ही बंदे के पास पावर ज्यादा होगी औरों के पास पावर नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा ब्रिटिश ने जो किया था वो सेम रहेगा। अगर एक इंसान के पास पावर रहेगी, वही सारी लैंड को एक्वायर करेगा, वही 90% लैंड को अगर लेगा, तो वो इनको फिर से मजदूर बनाए रखेगा। देश की आज़ादी का फिर मतलब क्या रहा, अगर हमें वही मजदूरी अंग्रेजों के अंदर कर रहे हैं, वही मजदूरी हम फिर किसी एक जमींदार के अंदर करेंगे। तो उस टाइम में क्या कहा था कि स्टेट सारी प्रॉपर्टी लेगा और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि लोगों के पास समानता में, मतलब इतने इतने लेवल से ऊपर प्रॉपर्टी ना रहे, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा गरीबों में, जिनकी लैंड किसने, ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। इसके बाद क्या बोलता है, एडिशन टू द 9th शेड्यूल टू द प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म एंड अदर इंक्लूड। देखो इसमें क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इस टाइम में थे, उन्होंने क्या बोला कि है ना, जो 9th शेड्यूल है उसमें, 9th शेड्यूल हमने देखा 8th शेड्यूल थे उसके बाद ऐड हुए हैं, तो जो 9th शेड्यूल है ना उसमें वो प्रोविजन ऐड कर देंगे जो हमारे लैंड रिफॉर्म के लिए जरूरी है। देखो यहाँ पे ना बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी कि है ना, अब लैंड रिफॉर्म आएंगे, लोगों को प्रॉपर्टी देंगे, राइट टू प्रॉपर्टी तो सबका अधिकार है, हम प्रॉपर्टी उसको बांटेंगे तो इससे क्या होगा, संविधान में हमने राइट टू इक्वालिटी बोला था भाई, अपना अधिकार है सबका, ठीक है, लेकिन ये पूरी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा था। जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला 9th शेड्यूल में प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड लॉज इंक्लूडिंग फ्रॉम द जुडिशियरी रिव्यू। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, जुडिशरी का क्या काम होता है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर हम किसी से उसकी जमीन छीन के किसी और को दे रहे हैं तो वो तो कहेगा मेरा राइट टू प्रॉपर्टी है, मैं अपनी ये जमीन है ये किसी को नहीं दूंगा। तो उस चीज से बचाने के लिए फंडामेंटल राइट को बोला कि जो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सॉरी 9th शेड्यूल है ना, इसमें जो भी हम कानून डालेंगे उस कानून पे जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। यानी वो एक डार्क एरिया बन गया था कि यहाँ पे हम कोई भी कानून डालेंगे वहां पे जजेस का, जुडिशरी का कोई काम नहीं होगा, कानून पर जो आपकी न्याय प्रणाली है वो आपकी उस जो शेड्यूल 9 है उसके कानून को नहीं देख सकती है, उस पर कोई बात, मतलब बात नहीं कर सकती। वो किसके अंदर आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट, ये याद रखना है आपको। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ था, एडिशन ऑफ 9th शेड्यूल, एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट मेकिंग स्पेशल प्रोविजन किसके लिए, एडवांसमेंट ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। यानी रिजर्वेशन कब आया था, रिजर्वेशन हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट में आया था, जो आपका 15 और 16 क्लोज 4 है, वीमेन एससी एसटी और चिल्ड्रन के लिए, वो किसमें आया था आपके, फर्स्ट अमेंडमेंट में आया था। इसको स्लाइड से पहले हम वैसे देख लेते हैं एक बारी, फिर मैं आपको ये सारी स्लाइड करवाऊंगी। पहला क्या है हमारा, 9th
नाइन्थ शेड्यूल को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। इसमें क्या कहा कि एफआर है ना, जो फंडामेंटल राइट्स है आपके, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यानी जो आपका ये है, इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। नाइन्थ जो शेड्यूल नाइन्थ है, उस पर जुडिशियल रिव्यू कुछ काम नहीं कर सकती है। वो जुडिशियल रिव्यू से यानी न्याय प्रणाली से दूर रहेगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्या था, सेकंड हमारा था जमींदारी सिस्टम अबोलिश करेगी। अबोलिश तो कर दिया था, बट जमींदारों से जो लैंड है वो लेके किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगी। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है वीमेन चिल्ड्रन और एससी, सॉरी एसटी एससी को क्या होगा, रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन प्रोवाइड होगा। जो रिजर्वेशन प्रोवाइड होगा वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्लोज 4, यानी 15 का आर्टिकल, 15-4 और 16-4 में रिजर्वेशन ऐड किया गया। किससे, फर्स्ट अमेंडमेंट। इसको यहीं की यहीं याद कर लो आप, मैं पॉइंट्स में लिख रही हूं इसको, आप यहीं की यहीं याद कर लो। इसके बाद आपका क्या आया था, चौथा क्या आपका, रेस्ट्रिक्शन ऑन कैरी ट्रेड, यानी जो ट्रेड कर रहे हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि ये चीजें आपको ट्रेड नहीं करनी है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आई थी इसमें। पांचवा क्या आपका, पांचवा आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होती है, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट है उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पढ़ोगे आप। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आपके जो अधिकार हैं, आप अपने अधिकार को तो इंजॉय करो, जैसे आपका राइट टू लाइफ है, आप उसको अच्छे से इंजॉय करो, बट दूसरों के हार्म मत करो। जैसे देखो, हम बोलते हैं कि राइट टू मूव यानी जाना आना हमारा अधिकार है, लेकिन कहाँ नहीं जा सकते हम। आपने देखा होगा कहीं कहीं सरकार रोक देती है कि भाई ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे कॉमन पीपल्स नहीं आएंगे, या ये मिलिट्री का एरिया है, इसमें ये पीपल्स नहीं आएंगे, तो वो क्या कर देती है, राइट टू मूव को रोक रही है, यानी रेस्ट्रिक्शन है कुछ। जैसे हमारा क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन आपने देखा है कि प्रेसिडेंट अगर किसी क्रिमिनल केस में या सिविल केस में पकड़ा जाता है, तो उस पर वो कार्रवाई नहीं होगी जो मुझ पर होगी। यानी हम पे जो कार्रवाई हो सकती है वो क्या है, उसको एकदम पुलिस एक्शन में लेगी, लेकिन किसी भी आपके MLA MP हो गए, आपके यानी प्रेसिडेंट हो गए, उन पर एकदम कार्रवाई नहीं होती। खासकर जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है ना, उनको तो प्रॉपर आपके आर्टिकल के अंडर क्या किया गया, प्रिवेंट किया गया, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। तो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मैं बोल रही हूँ, रीजनेबल यानी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है फंडामेंटल राइट में, वो कब आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट में आया था। इसके बाद आपका क्या आया था, और आपका आर्टिकल 31 सिक्स क्या है, मैं यही लिख देती हूँ, सिक्स आपका है आर्टिकल, जो आपका 31 है उसमें क्लोज बी और सी, ये कहाँ सुप्रीम करेंगे, किस पे, एफआर पे। इसका मतलब क्या है, इसको हम स्लाइड में देखते हैं आगे, ठीक है। ये तो जितना भी हमने पढ़ा है इसको याद करो। पहला क्या, नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया, ये मैं लेमैन लैंग्वेज यानी नॉर्मल आपको सिर्फ बताने के लिए मैं आपकी ये पॉइंट्स को लिख रही हूँ, लेकिन हम जब स्लाइड पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको अमेंडमेंट फर्स्ट का पता चलना चाहिए कि अमेंडमेंट फर्स्ट में क्या आया था। तो अमेंडमेंट फर्स्ट में क्या आया था आपका, नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया था। नाइन्थ शेड्यूल क्या है, नाइन्थ शेड्यूल में क्या था, हमने शेड्यूल में पढ़ा था कि ये यहाँ पे वो कानून आएंगे जहाँ पे न्याय प्रणाली अपने हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी जुडिशियल रिव्यू से दूर रहेगा। बाद में केशनंदा भारती केस 1973 में इसको क्या कर दिया गया कि नहीं भाई, इस पे भी जुडिशियल, वरना इसकी आड़ में तो सरकार सब पूरा पूरा संविधान भी बदल सकती है। जो सरकार को मतलब ऐसा लगता है कि कानून इसको रोक देगा, मतलब सॉरी इसको न्याय प्रणाली इसको रोक देगी, तो सरकार इसके अंदर डाल के कुछ भी कर सकती है। इसलिए 1773 में केशवनंदा भारती केस के तहत इसको वो कर दिया गया था। उसके बाद क्या आया, जमींदारी सिस्टम है, उसकी जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या गया, यानी लैंड रिफॉर्म्स आए थे। लैंड रिफॉर्म्स में क्या था कि जमींदारों से लैंड लो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद क्या आया था, वीमेन चिल्ड्रन एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो आया था 15-4 में और 16-4 में। उसके बाद क्या है,
आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन कैरिंग ट्रेड और कॉमर्स, यानी आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी का काम का मतलब ये है कि अब आप है ना, जैसे आप हो, ठीक है, आपने अपनी कंपनी चला ली है, सपोज दैट आपके पास एक कंपनी है जो ऐसे मान लो कि नेट की कंपनी है, एक्स वाई जेड है ना, आप नेट प्रोवाइड कर रहे हो, डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी कंपनी है, और आपने इतनी मोनोपोली कर ली है वहाँ पे कि कोई दूसरा काम ही नहीं कर पा रहा आपकी वजह से, आप सबको, आपने सबका ट्रेड बंद कर दिया है, तो ऐसा काम नहीं करना है। जैसे ओपीमियम, ऐसे मतलब जो भी नशे पदार्थ का ऐसा ट्रेड नहीं करना। तो बहुत सारे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगी थी कि बहुत सारे बिजनेसेस है ना, पब्लिक बिजनेसेस है, उनमें ना रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी इसके तहत। इसके बाद आपका क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किस में, फंडामेंटल राइट्स में। तो ये सारे हमारे अमेंडमेंट फर्स्ट से आए थे, इंपॉर्टेंट ये हैं आपके, जैसे ये मैंने करवाए सारे इंपॉर्टेंट आपके। रिजर्वेशन याद रखना, रिजर्वेशन अगर कॉमन लैंग्वेज में पूछ लिया जाए तो अमेंडमेंट फर्स्ट से आया था। इसके बाद हम देखते हैं, देखो यही है स्पेशल प्रोविजन एडवांसमेंट, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, लैंड रिफॉर्म वाला, एक्विजिशन ऑफ स्टेट वाला, एडिड थ्री मोर ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम ऑफ ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच में, एक्सप्रेशन में, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट एंड इंसेंटिमेंट टू एन ऑफेंस। ऑल्सो इट मेड द रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल एंड जस्टिशियबल इन नेचर। वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, देखो बहुत अगर हम डीप में जाके पढ़ेंगे इसको तो हम बहुत टाइम दे देते हैं, लेकिन अगर एक वर्ड में, मैंने आपको सिर्फ पांच वर्ड्स में बता दिया कि ये है, वो मैंने आपको कॉमन उसमें बता दिया। अब हम इसमें जब पढ़ रहे हैं तो वही बात है, देखो हमने कहाँ पे, थ्री मोर ग्राउंड्स पे, थ्री मोर ग्राउंड्स मतलब तीन ग्राउंड्स पे हमने क्या लगाई, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई। पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा हमारा पब्लिक ऑर्डर है, और तीसरा हमारा फ्रेंडली रिलेशंस है। तो इन तीन ऑर्डर में हमने क्या किया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई है, और जो कि जस्टिशियबल इन नेचर है। जस्टिशियबल इन नेचर का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के मैटर्स में आप नहीं बोल सकते हो, जैसे कि अभी क्या हुआ था कि यूपी के जो सीएम है उन्होंने नेपाल के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उनको कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट बोल दिया था, तो तब बोला गया था नहीं आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। ठीक है, हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम कर सकते हैं, बट हमारे स्पीच से किसी को हार्म ना हो। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी आपको, बट मैं कुछ ऐसा बोलने लग जाऊँ जिसको बहुत सारे समुदायों को उसका ऐसा लगे कि हमारे खिलाफ बोला जा रहा है, तो क्या हो सकता है, वो उनका मतलब उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है, वो हार्म कर सकती हूँ मैं, तो वैसा नहीं करना है। रीजनेबल क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे है। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, शांति बनाए रखना। आपने देखा होगा कि है ना, कई बार लाठी चार्ज कर देते हैं, कब, जब रोड ब्लॉक करके हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट आप किसको, किसी का राइट टू मूव नहीं बोल वो कर सकते, यानी आपके फंडामेंटल राइट आप इंजॉय करो, लेकिन आप दूसरे के हार्म मत करो। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे डीसी ने, अभी आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने यहाँ पे ना 144 सेशन की धाराएं लागू कर दी गई है इस एरिया में, तो आप उसको कैसे देखते हो। वो इसलिए करता है क्योंकि क्या होता है कि उस यहाँ पे सपोज दैट गाड़ी जा रही है, यानी एम्बुलेंस जा रही है या कोई भी गाड़ी जा रही है, ठीक है, आप इसको बंद करके बैठ जाते हो, आप कह रहे हो राइट टू प्रोटेस्ट मेरा फंडामेंटल राइट है, ठीक, आपका हमें समझ में आया, लेकिन जो यहाँ से जा रहा है उसका भी तो राइट टू मूव फंडामेंटल राइट है, वो भी तो हार्म हो रहा है। तो ये क्या है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करके रखो, यानी आप अपने कानूनी अधिकार हैं, जो आपके मूलभूत अधिकार हैं, उनको आप स्वतंत्रता से यूज करो, दूसरों के भी आपको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये किसमें आया था, अमेंडमेंट फर्स्ट में आया था। उसके बाद क्या है, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द स्टेट ट्रेडिंग नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस बाय द स्टेट इज नॉट इनवैलिड ऑन द ग्राउंड सच एज violation of the right to trade and business. ये क्या बोलता है, this act also provide that the state trading and nationalization of any trade. ये provide करता है कि जो आप state is not invalid on the ground. देखो violation of right of trade और business के ground में violate नहीं किया जाएगा किसी भी trade को, यानी आप trade कर सकते हो nationalization trade को, ठीक है। उसके बाद क्या था, insert क्या था आपका 31A और 31B को ऐड किया गया था, ठीक है।
ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक पर्सन 7500 पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन आपका ये इंसर्जेशन ऑफ 31A 31B हो गया आपका, ये जितना है ना ये और सारे पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये रिजर्वेशन का हो गया, आपका पब्लिक ऑर्डर का हो गया, आपका जमींदारी सिस्टम का होगा, 9th शेड्यूल का होगा, 31A और 31B ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये सारा आपका अमेंडमेंट फर्स्ट था। अमेंडमेंट सेकेंड देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक लाइन में देख लूं कि वन मेंबर कुड रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7,50,000 पर्संस, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नॉट लाइक नॉट इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद देखो सेवंथ अमेंडमेंट, उससे पहले कोई अमेंडमेंट आपका इंपॉर्टेंट होते हैं नहीं। सेवंथ अमेंडमेंट में क्या है आपका, देखो अबोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इनटू फोर कैटेगरीज। मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि हमारा जो क्या था, ये आपने समझ लिया ना सारा, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। देखो मैंने क्या बताया था कि आपका ना ये एरिया है, इस एरिया में क्या है कि आपकी ये सपोज दैट ये एक एरिया है, नहीं ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। तो इसमें क्या था, पहले हमने इसको जब डिवाइड किया, हम जब आजाद हुए थे उस टाइम में क्या था, हमारा यूनियन बना था पहले, यानी भारत पूरा एक देश बना था। अब क्या बात हुई थी कि इसको डिवाइड करेंगे, यानी यूनियन सेंटर के बाद इसको क्या डिसाइड किया कि इसको डिवाइड करके क्या आप स्टेट बनाएंगे। इसलिए तो मैं बोलती हूँ एक लाइन कि इंडिया इज अनडिस्टेड, मतलब ये टूट नहीं सकता है, बट इसके स्टेट है वो उनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इसकी बाउंड्रीज को नहीं कर सकते। इसको क्या चार उसमें बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। जैसे ए में आपके स्टेट आ गए, बी में आपके आपके क्या आ गए, यूटीज आ गए, सी और डी में आपके अदर एरियाज को काउंट किया गया। तो ऐसे हमने हमारे इंडिया को डिवाइड कर रखा था जब तक हमारे पास लैंग्वेज नहीं आया। लेकिन क्या हुआ कि एपी के आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर पोटी श्री रामून जी हैं, मेरे को उनका सही से नाम नहीं हो रहा प्रोनंसिएशन, तो उन्होंने उनके नाम के लिए सॉरी, वहाँ पे एक शख्स थे जिन्होंने क्या किया था, स्ट्राइक पे बैठे थे 1944 के आसपास था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं आपको उनकी थोड़ी सी स्टोरी वैसे बता देती हूँ। वो स्ट्राइक पे बैठे थे, उन्होंने बोला था कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु राज्य बनाया जाए। तब हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने बोला अगर ऐसे हम एक एक पूरे स्टेट को अगर लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो इंडिया इतना बड़ा है कि उसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि जिससे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। यानी हर एक गांव में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, स्क्रिप्ट अलग होती है हर कुछ एरिया में, तो इसको तो बहुत हिस्सों में डिवाइड करना पड़ जाएगा हमें। तो उनकी बात को नहीं माना गया था, तो उस स्ट्राइक में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो पहला राज्य बना किसके लैंग्वेज के हिसाब से, हमारे यहाँ पे है जो हमारा पहला पहले राज्य बना वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपका, वो तेलुगु, तेलुगु स्पीकिंग सबसे पहला क्या बना था, स्टेट बना था लैंग्वेज के हिसाब से। तो ये आपके एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आ जाए आपके एक लाइन में कि फर्स्ट जो स्टेट बना था लैंग्वेज स्पीकिंग तेलुगु स्पीकिंग आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है, उसको याद रखना। और इसके बाद क्या हुआ था, फजल अली कमीशन बैठा गया था, मतलब बहुत सारे कमीशन होंगे आपके, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। जैसे जेपीवी हो गया, हम अमेंडमेंट तक ही रहे इस क्लास में, ज़्यादा फर्दर बाहर ना जाए। तो इस अमेंडमेंट में क्या था कि जो पार्ट मैंने बताया आपको ए बी सी डी थे वो 17th अमेंडमेंट के तहत हटा दिए गए थे। मैंने क्या बोला था, अमेंडमेंट का क्या काम है, लेके आना है और उसको रिमूव करना है। तो इसमें क्या कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था। तो यही बोल रहा है, द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इनटू फोर कैटेगरी दैट इज पार्ट ए बी सी एंड डी स्टेट एंड रिकॉग्नाइज्ड देम इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। एक्सटेंशन ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, इसको क्या कर दिया था, अबोलिश कर दिया गया था।
ठीक है, खत्म कर दिया गया था। अब देखो एक और क्वेश्चन बनता है आपके लिए, आप मेरी इस चीज को ध्यान दें कि एक और क्वेश्चन बनता है, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को हटा दिया गया था उस टाइम पे। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट टू और मोर स्टेट, इंपॉर्टेंट है ये भाई, इसको याद कर लो। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि हाई कोर्ट, जैसे आप देखोगे हम जैसे हरियाणा के हैं ना, तो हरियाणा का और पंजाब का एक हाई कोर्ट है, कहाँ है वो हाई कोर्ट, चंडीगढ़ में है। तो हरियाणा और पंजाब का जो सेम हाई कोर्ट है, क्या वो ओरिजिनली हमने डिसाइड कर रखा था कि सबका एक हाई कोर्ट होगा? नहीं, वो किस अमेंडमेंट से आया? आपके 7th अमेंडमेंट से आया। 7th अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं ना हम अभी, तो 7th अमेंडमेंट से क्या आया हमारा? पहला अबोलिशन ऑफ पार्ट हुआ, सेकंड क्या हुआ हमारा, हाई कोर्ट जो है वो एक एरिया से ज्यादा यानी टू स्टेट का भी हो सकता है और यूटीज का भी हो सकता है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट। इसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। देखो ये आपका ना उसका जुडिशरी का टॉपिक हो जाता है, जुडिशरी में आता है ये, हम जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे। जो एक्टिंग जजेस हैं यानी एक्ट लाइक अ जज, फिलहाल कोई उस, अगर हमारे पास जजों की कमी है तो हम रिटायर्ड जज को बोल देते हैं भाई आ जाओ आप प्लीज हमारे यहाँ पे, प्लीज थोड़ा सा संभाल लो, मतलब उनको तो रिक्वेस्ट ही करनी पड़ती है, तो उनको जैसे हम बुला के बोल सकते हैं भाई आप प्लीज आए और यहाँ पे काम कर लें, या हम किसी भी जज को बुला के बोल रहे हैं कि आप एक्टिंग जज यानी कुछ 2 साल के लिए हमारे यहाँ पे हेल्प कर दो हमारी, फिर आप चले जाना। तो उसका जो एडिशनल और एक्टिंग जज का जो प्रोविजन आया था वो किससे आया था, 7th उससे आया था, अमेंडमेंट ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में जो अमेंडमेंट हुई थी वो इसके तहत हुई थी, मॉडिफिकेशन ऑफ द लिस्ट रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन से हैं? आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट पॉइंट, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड पॉइंट, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्ड पॉइंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, क्योंकि बोल रहे हैं कि पिछली लिस्ट में ना इसमें इंप्रूव क्या था, डिक्रीज क्या था, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपकी ये 3 पॉइंट है इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कौन से 3 पॉइंट है आप एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा, वो तीनों पॉइंट कौन सा है? हमने पहले फर्स्ट क्या था, हम 7th कर रहे हैं, पहले क्या है पार्ट है जो ए बी सी डी में है उसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। जो खत्म कर दिया गया था वो किसके उससे किया गया था, स्टेट रिकॉग्नाइज फजल अली से किया गया था। 16 स्टेट थे इस टाइम में, कितने थे 16 स्टेट थे और 4 यूटीज थे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसको क्या कर दिया गया था, 6 यूटीज थी या 4 यूटीज थी, लेट मी चेक। 14 स्टेट थे और 6 यूटीज थी, ओके 14 स्टेट थे आपके, सेवेंथ में क्या था पहले पार्ट जो थे आपके, पार्ट क्या ए बी सी डी था आपका, पार्ट ए बी सी डी में क्या आपका जो 14 आपके स्टेट थे और 6 यूटीज थे, इसको क्या कर दिया गया था, इसको खत्म कर दिया गया था, अबोलिश फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट रिवाइज कर लो आप मेरे साथ इसको, आपको यही याद हो जाना चाहिए कि फर्स्ट में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े थे। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आई थी आपका एस सी एस टी और वीमेन और चिल्ड्रन, यानी 15 क्लोज 4 और 6 में हमने क्या दी थी आपको, रिजर्वेशन दी थी। उसके बाद क्या है प्राइवेट जो आपका पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में ही आ जाता है। उसके अलावा क्या था आपका क्लोज 31 ए और बी उसमें ऐड हुआ था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था उसमें, जमींदारी सिस्टम को बंद करके उसको प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात पढ़ी थी। उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था उसमें, 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया था, वेरी गुड। उसके बाद क्या है पार्ट ए बी सी डी हो गया। इसके बाद फर्स्ट सेकंड क्या था हमारा 7th शेड्यूल में, याद करिए सेकंड हमने अभी पढ़ा, सेकंड पॉइंट क्या है, हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, इंक्रीज कर दिया था, किसमें, अब 2 स्टेट के लिए एक कॉमन, 1 कॉमन क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, और इसका ज्यूरिडिक्शन
अब यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी तक कर दिया था हमने। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, एडिशनल और एक्टिंग जज, एक्टिंग जजेस का प्रोविजन आ गया था इसमें, ठीक है, ये सेवंथ में हमने पढ़ा। अब सेवंथ के बाद हम नेक्स्ट करते हैं, सेवंथ के बाद हमारा टेंथ अमेंडमेंट। टेंथ अमेंडमेंट में क्या है, देखो ये है ना आपके मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, जैसे टेंथ है आपका, टेंथ के बाद आपका इलेवंथ हो गया, इलेवंथ के बाद आपका सॉरी टेंथ हो गया, ट्वेल्थ हो गया, फोर्टीन हो गया ना, आपके मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे। ऐसे कि इधर आपका जैसे अमेंडमेंट टेंथ दे दिया कि टेंथ किससे डील करता है, ट्वेल्थ किससे डील कर रहा है, थर्टीन किससे कर रहा है, फोर्टीन किससे कर रहा है। इसमें ना आपके जैसे यूटीज है उनको स्टेट बना दिया जाएगा, या स्टेट है उसको यूटीज बना दिया, तो एक्सचेंज सिस्टम चल रहा है, एक एक लाइन का होता है, इन चारों को एक जगह आप पेज पे आप लिखोगे ना, तो इधर अमेंडमेंट लिख दो, इधर उनके स्टेट लिख दो और उसको याद कर लो, ठीक है। इसमें क्या आपका जैसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर नागर हवेली इन इंडियन यूटीज इन ऑर्डर टू इनेबल द प्रेजिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोसेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द टेरिटरी, यानी दादर नागर हवेली के लिए कौन सा अमेंडमेंट डील करता है आपका, टेंथ अमेंडमेंट डील करता है दादर नागर हवेली के लिए, कि उनके गुड गवर्नेंस के लिए हमने उनको यूटी बना दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा टेंथ के बाद क्या है, टेंथ के बाद हमारा फिफ्टींथ अमेंडमेंट एक्ट है। फिफ्टींथ अमेंडमेंट एक्ट हमारा 1963 का हो जाता है। तो 1963 में क्या है, फिफ्टींथ अमेंडमेंट में द हाई कोर्ट्स वर इनएबल टू इशू रिट्स टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इवन आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन इफ द क्लोज ऑफ एक्शन arose within its territorial limit increase in the retirement age of the high court judges 62। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 15th amendment में हमारा क्या था, देखो 15th से पहले मैं आपको एक दो amendment और करवा देती हूँ। 10th amendment हमारा किसका था, दादर नागर का, फिर आएगा हमारा 12th amendment। 12th अमेंडमेंट किसका है हमारा, 12th अमेंडमेंट है हमारा, 12th अमेंडमेंट हमारा डील करता है दमन दीव से, दमन एंड दीव से, दमन दीव के बाद हमारा आता है 1962 में इसको यूटी बनाया गया था। 14th अमेंडमेंट में क्या है हमारे, आप एक बार इसको चेक करिएगा, आप इसको याद करने की कोशिश करिएगा, मुझे एक मिनट दीजिए। ट्वेल्व किसके लिए हमारे, दमन दीव के लिए, 14 किसके लिए, पोंडुचेरी के लिए है, 14th किसके लिए हमारा, पोंडुचेरी के लिए है। इसके बाद हमारा 14 के बाद 15 किसके लिए हमारा, 15 में हम तो यहाँ पे थे ही शायद, हाँ 15th अमेंडमेंट आ गया हमारा। तो आपको ये याद होनी चाहिए कि 10th किसके लिए है आपका, आपका ये 14 किसके लिए है, इसके बाद हम देखेंगे 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में आया था, हाई कोर्ट है उसका क्या किया, able to issue writ jurisdiction to any person authority even outside its territorial jurisdiction। writ क्या होती है, writ हम पढ़ेंगे article 32 में और article 226 में किसकी, high court की। writ होती है किसी को order देना, उससे पूछना कुछ भी, उसकी writs होती है, पांच writs हम सब पढ़ेंगे। तो किस में आई थी आपकी, 15th amendment में आई थी, किसकी, high court की, किसके प्रति, इन सबके प्रति, even outside its jurisdiction, territorial jurisdiction का क्या बताया था कि उसकी जो territory है, सपोज ये एक टेरिटरी है, इसमें हाई कोर्ट काम करता है, तो इसके बाहर जो बियॉन्ड जो काम कर सकता है उसकी भी रिट कौन कर सकता है, ये इफ एनी एक्शन अरोज विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स में भी कर सकता है, इंक्रीज इन
रिक्रूटमेंट एज, सॉरी रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट एज कितनी थी पहले? 60 थी। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले 60 थी, अब कितनी होगी? 62 हो गई। किससे आई है आपकी? 15th अमेंडमेंट एक्ट से आई है। इसके बाद अमेंडमेंट इन आर्टिकल्स, किस किस आर्टिकल में? 297 में, 311 में और 316 में अमेंडमेंट की गई थी। प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जजेस के लिए प्रोविजन आया था, हाई कोर्ट एज एक्टिंग जजेस ऑफ सेम कोर्ट, यानी जिसमें आप है ना रिटायर हुए थे उसकी आप एक्टिंग जज की तरह काम कर सकते हो। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड कंपनसेटरी अलाउंसेस टू द जजेस हु आर ट्रांसफर फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, यानी आप पूछोगे उससे जो आप एक हाई कोर्ट का, एक हाई कोर्ट से एक जज का दूसरे जज अगर हाई कोर्ट उसको भेज रहे हो तो आप उससे पूछोगे भी तुम जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते, उससे पूछोगे, ठीक है। इनेबल द रिटायर्ड जजेस हाई कोर्ट टू एक्ट एज द एडहॉक जजेस। देखो ये सारा आपने जितना ही पढ़ा नहीं, ये हाई कोर्ट के जजेस पे था। इससे पहले में हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दी, बट 15th में तो बहुत सारी उस पर फंक्शन किया, किस पे? हाई कोर्ट पे। जैसे 60 से 62 एज कर दी गई है, ठीक है, एक्टिंग जज हो गए आपके और आपका एडहॉक जज के लिए पूछ लिया जा रहा है, रिटायर्ड जज से पूछा जा रहा है आपके, मतलब रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्ट दी जा रही है इनको, है ना, देनी भी चाहिए हमारी न्याय प्रणाली है, यही तो सवाल थी हमें। और जो आपके हाई कोर्ट के जज हैं उनसे पहले पूछा जा रहा है कि हम आपको इधर उधर चेंज कर दें, यानी ट्रांसफर के लिए। अब देखो इसको पूछा क्यों जाता है, इनसे इसलिए पूछते हैं कि अगर आपसे ना पूछे, सपोज दैट हम है ना IAS YAS जितने भी होते हैं अधिकारी, उनको क्या करते हैं सरकार को अब ऐसे लगता है ना कि भाई ये हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है, तो उसका ट्रांसफर कर देते हैं, भाई तू इधर से उधर जा, उधर से इधर जा, उसको ऐसे घुमाते रहते हैं। लेकिन अगर न्याय प्रणाली के साथ ही ऐसा होगा तो फिर हम कैसे, कैसा हमारा मतलब संविधान सही तरीके से चलेगा? तो हमें उनको बिल्कुल ऐसे रखना पड़ता है कि भाई अगर इसका हम ट्रांसफर करेंगे तो हम उनसे पूछना पड़ता है। तो ये सब किसमें? 15th अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद आता है हमारा 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, अफर्मेशन ऑफ द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट। यार देख रहे हो तुम कितनी बड़ी बात बोल रही है, बस 5 मिनट और आप मेरे साथ बने रहे, हम ये दो अमेंडमेंट करके फिर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अफर्मेशन ऑफ द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट को भी खत्म कर सकते हैं अमेंडिंग, अफर्मेशन टू पावर टू पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को इतनी बड़ी, ये इंदिरा गांधी के टाइम की चीजें हैं कि अमेंड कर सकता है एनी पार्ट। इसलिए उसको आयरन लेडी बोला जाता है कि वो बहुत स्ट्रांग लेडी थी। उसने पहली बारी जब प्रेसिडेंट का फोन आया था ना उसके पास, किसके? USA का, तो उसने बोला था कि मुझे यहाँ पे ना सब सर बोलते, तो आप मुझे सर बोल के बोलो, ठीक है, मतलब शी इज आयरन लेडी ऑफ द कंट्री। अफर्मेशन ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोई भी पार्ट को कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, ये डार्क एज थी हमारी। इसके बाद जो गवर्नमेंट आई थी उसने इस चीज़ को 44th अमेंडमेंट में सारा फिर से ठीक करेगी। इट वॉज मेड कंपल्सरी कर दिया था द प्रेजिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी जो अब हम पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट बिल पे, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट की प्रोसेस में कि प्रेजिडेंट क्या कर सकता है, हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि कंपलसरी है भाई, तेरे को देनी पड़ेगी। फिर मतलब क्या रह जाता है, पपेट तो पहले ही है प्रेसिडेंट भाई, पहले ही वो प्यादा तो पहले ही बना हुआ है, उसको आप ये और बोल दो भाई तेरे को देनी ही पड़ेगी तो कैसे बात बनेगी। तो ये कितनी आपको दिख रही है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ना बन के पूरी जो उसको मोनार्की की तरफ जाती हुई एक स्टेज सी दिख रही थी। द एक्ट सीक्स टू अमेंड आर्टिकल 13 टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक इट्स इन एप्लीकेबल टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368। ये क्या बोल रहा है कि जो 368 के अंदर हम अमेंड करेंगे ना, वो आर्टिकल 13 में नहीं आता है, वो आज भी अप्लाई है। यानी जो आर्टिकल 3 अमेंडमेंट आती है ना, जो हमारी अमेंडमेंट है वो किस में नहीं है, अमेंडमेंट हमारे आर्टिकल 13 में नहीं आती है। इसको एक लाइन में समझाना चाहूँ तो ये अर्थ निकलता है इसका। द एक्ट सीक्स टू अमेंड आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यू टू मेक इट इन एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं होता ये किस पे, टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। चलो इसको अब हम कल कैरी ऑन करेंगे, आज के लिए आपका इतना ही था। 24 के बाद हम सारे अमेंडमेंट्स करेंगे, आज के लिए इतना ही था आपका। थैंक यू स्टूडेंट्स जो मेरे साथ बने रहे उनके लिए आपका बहुत धन्यवाद, और कल हम इसको कैरी ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही था, योद्धा बैच में आप योद्धाओं की तरह तैयार हो रहे हो, और इनको याद करो अच्छे से, इनके साथ मतलब इनको पूरा अच्छे से पढ़ो, और मेरे अलावा और भी जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप कंटिन्यू पढ़ो, और अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप में सच में इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू।